मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अच्छी आवाज में जुनून होना चाहिए। कई बच्चे जैसे यहाँ बोल रहे थे, डर डर के बोल रहे थे। डर लगता है किसी का? नो सर। क्यों कर रहे थे ऐसे आप? अब जो हमारे युवा नेहरू युवा संगठन के जो प्रेसिडेंट है, अन्य सदस्य है, ये क्या सोच रहे होंगे? इसको पढ़ना ही नहीं आता होगा। तो ऐसे डरिए मत किसी से भी, आप अच्छे हौसले से बोलिए। तो सबसे पहले तो मैं नेहरू युवा संगठन के जो प्रेसिडेंट है आप ही होंगे, संदीप कुमार भाटीवाल, और डॉक्टर साहब को पता नहीं मेरे को इसमें क्या है क्या नहीं, तो डॉक्टर रामधन सिंह जी और घोलू जेसी भी जानते हैं सभी, और साथ में सुनील जी, विक्रम कुमार जी। तो इन्होंने शहीदों को नमन किया, भारत माता को याद किया इस दिन, और राव तुलाराम को याद किया जो हमारे लिए, हमारे खासकर हरियाणा के लिए जो शहीद हुए। और इन्होंने याद किया इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि शहीदों को याद करना हमारी बहुत अच्छी बात है। यदि हम उनको याद करते रहेंगे, कुर्बानी दी है उन्होंने किसके लिए दी है? हमारे लिए, हमारे हरियाणा के लिए, हमारे लिए दी है, हमारे देश के लिए, समझिए आप। तो इससे पहले जो थे हम, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके अंदर बहुत से हमारे जो नेता थे, बड़े बड़े नेता, वो शहीद हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कुर्बानी दी वो किसके लिए दी थी? के लिए, अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए हमें। लेकिन आज जो स्थिति है, कभी ऐसी ना आ जाए कि हम दोबारा गुलाम हो जाए, उसके लिए हमें काफी संभलना पड़ेगा, सोचना समझना पड़ेगा, अच्छी तरीके से मोटिवेट करना पड़ेगा सभी को। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता मैं, तो दो चार बातें जो है वही मेन मेन बताना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने नशे के बारे में बात बताई, बहुत अच्छी बात है कि भी नशा ऐसा करो कि जो अपनी जिंदगी बदल दे, ऐसा नशा मत करिए जो जिंदगी को बर्बाद कर दे। दो ही नशे बताए डॉक्टर साहब ने, और आपको समय समय पर बहुत सारी बातें बताते रहते हैं, तो बड़ा भाग्य ही समझूंगा मैं तो आपका, बहुत अच्छा क्योंकि जो आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई है। और मैं तो उस दिन खैर नहीं पहुंच सका था जब लाइब्रेरी का उद्घाटन था किसी कारणवश, तो उस दिन में इन्होंने बहुत कुछ बोला था और अच्छी अच्छी बातें, गांव को अच्छी तरह मोटिवेट किया था, बाहर से भी गणमान्य व्यक्ति आए थे अपने, जिसको पता नहीं था वो भी जान चुके हैं, अपने जो गांव से एक बहुत बड़े डॉक्टर जगदीश चंद्र, वो उसके चीफ गेस्ट रहे जो लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उनके बारे में नहीं जानते थे, और एक बहुत बड़े डॉक्टर है जो डॉक्टरों की पढ़ाई करवाते हैं, डॉक्टरों को समझाते हैं। तो देखिए ज्यादा लंबा बोलेंगे तो आपका पेड़ बेल करते हैं। तो इसके अंदर हम नशे की बात लेके चलते हैं, बेटा ऐसा नशा करिए आप ताकि आपकी जिंदगी सुधर जाए। करेंगे आप ऐसा? यस सर से काम नहीं चलेगा, आपको करके भी दिखाना होता है। और हम यही बातें बताते हैं बेटा कि भी जिंदगी के अंदर किताबी कीड़ा में बनकर आप अन्य ज्ञान को लीजिए, अन्य ज्ञान मतलब जीके नॉलेज है, माता पिता का ज्ञान है, छोटे बड़ों का ज्ञान है, बहुत सारी शिक्षा देते हैं आपके घर में, बहुत सारी शिक्षा देते हैं आपके माँ बाप, लेकिन हम कहाँ वंचित रह जाते हैं, उसको अमल नहीं करते हैं, उसमें पीछे रह जाते हैं हम, और उसके ऐलान दौरान पछतावे के सिवा हमें कुछ नहीं मिलता। जैसे हम यहाँ पे आपको गाइड करते हैं, यहाँ पे बताते हैं बेटा इसके अलावा आप, जैसे हमारे स्टाफ बताते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये भी आपको बहुत कुछ शिक्षा दी है इसके लिए, सुन लिया और कल साफ हो जाए भाई, कल हम पूछने लग जाए आपसे, बेटा कल क्या बता के गए थे डॉक्टर साहब, ये क्यों मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, लेकिन आप नीचे बैठे रहे, सीधे नीचे झुक कर रह जाए,
आप कहो यस सर हमें सभी को याद है, तो तभी फायदा है कुछ करने का, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। एक कान से सुन लिया, एक से निकाल लिया। बहुत सारी बातें हैं जो आपको काम आएगी टेस्टों के अंदर भी। कहां से आते हैं वो? आप जब टेस्ट दोगे आईएएस का है या फिर टीचर से संबंधित है, बीएड करने के बाद है या जेबीटी वगैरह है या फिर किसी के लिए आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो उसके अंदर क्या जरूरत होती है? ऐसी क्वेश्चनों की जरूरत होती है। हमने जीके के बारे में आपको प्रेयर के अंदर क्यों करवाते हैं? तो बेटा कुछ याद हो जाए। लेकिन आपकी थ्योरी ऐसे मत बनाइए, एक कान से सुन लिया दूसरे से निकाल दिया। आज हम छोटी छोटी बातों को लेके समझ के करेंगे तो आगे बहुत सारी ढेर सारी बातें हमारे पास हो जाएगी और हमें किसी के मुंह की तरफ नहीं देखना पड़ेगा टेस्ट के अंदर, हम अच्छे से गर्व से क्वालिफाई करेंगे। तो इसलिए मेरा तो ये अनुरोध है, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। अगर कोई गंदी बातें आपको सिखाने की कोशिश करता है तो उससे दूर रहिए आप, कि ये भैया ये हमारे काम की नहीं है, अंकल जी हमारे काम की नहीं है, हम इसको नहीं अपनाएंगे। और जैसे ये भी बताया डॉक्टर साहब ने कि भी आप सब कुछ हैं, कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने मां बाप का नशा छुड़वा सकते हैं, उसको मजबूर कर सकते हैं आप छोड़ने के लिए। बार बार उसको समझाइए आप, शाम को बैठ के अच्छे से सबको बिठाइए आप, मम्मी को पापा को छोटे बड़े बच्चों को एक महफिल बनाइए आप। वो आपकी एक दिन नहीं सुनेगा, दो दिन नहीं सुनेगा, तीन दिन नहीं सुनेगा, चार दिन नहीं सुनेगा, शायद पांचवें छठे दिन तो उसके दिमाग में आएगी जरूर भी कि भाई मेरा बेटा क्या कह रहा है मुझे।